जब हम अपने हुनर को पहचान लेते हैं और फिर उसे निखारते हैं तो हमारे लिए जीवन की राह आसान हो जाती है। दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के साथ युवाओं को कदम ताल कराने के लिए सरकार फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर स्किल्ड कराने की तैयारी कर रही है। फ्यूचर ऑफ द जॉब्स की जो बात होती है उस पर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे करीब 30 ऐसे कोर्सेज हैं जो क्रॉस सेक्टोरल है, यानी कि वो सीखने के बाद उसको आप रिटेल पे भी अप्लाई कर सकते हो, ऑटोमोटिव पे भी अप्लाई कर सकते हो और कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। तो कॉमन टाइप की है। ये बात सही है कि जैसे जैसे आईटी बढ़ती जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, तो जिस तरह की स्किल्स आपको चाहिए वो चेंज होगी और हम लोग उस हिसाब के जॉब रोल्स बना रहे हैं। बदलती तकनीक और जरूरत के हिसाब से हर इंडस्ट्री खुद को अपडेट करती जा रही है। आने वाले समय में 5G इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम एनालिसिस, ब्लॉकचेन जैसी तकनीक की वजह से पूरी दुनिया नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ओर बढ़ रही है, जिसे इंडस्ट्री 4.0 का नाम दिया जा रहा है। अब जब हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं कि मशीन ऑटोमेटिकली कैसे टाइम के साथ सीखे। मशीन लर्निंग एक एस्पेक्ट है उसमें, जो लार्ज स्केल यूज ऑफ डाटा से पता लग जाए। जैसे अभी आपने कभी नोट किया होगा कि अगर आप बेंगलोर का टिकट बुक करें तो थोड़ी ही देर में आपके कंप्यूटर में बेंगलोर के एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाता है, वहाँ के होटल का आएगा, वहाँ के रेस्टोरेंट का आएगा। कैसे होता है ये सब? यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आपने अपनी बुकिंग बेंगलोर के लिए करी तो कहीं कंप्यूटर को ये पता लग गया कि ये आदमी बेंगलोर जाने वाला है। जैसे ही उसे लगा कि जाने वाला है तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे ये रहेगा, जाके वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ पे घूमने जाएगा, वहाँ पे काम करेगा। तो उसके सारे ये है इंडस्ट्री 4.0 का आयाम, शुरुआत। चाहे वो ITI हो या नेशनल स्किल ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कुछ जगहों पर नए सत्र से IT, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई शुरू हो रही है। हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं।